सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे कहा गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी आंसर मुझे निकालने हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2/5x² - x - 3/5 = 0। आप ध्यान देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर की वजह से, जो ये डिवाइड के नंबर हैं, इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा है, तो हम इसे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 5 का एलसीएम आएगा 5। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 5 की 5 से डिवाइड 1, 1 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आता है 2x², देन डिवाइड करते हैं 5, 5 की x से मल्टीप्लाई करते हैं 5x, 5 का 5 से डिवाइड करता हूँ 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसको करता हूँ तो यह आता है 2x² - 5x - 3 = 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर की जब हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -6x². -6x² के ऐसे फैक्टर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो -x आए, और प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आए, वो मेरे पास -6x और +1x बन रहे हैं। तो मैं मिडिल टर्म -5x की जगह यहाँ लिख सकता हूँ, -6x + 1x - 3 = 0। अब हम फर्स्ट टू में 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बैलेंस बचेगा x - 3, लास्ट टू में मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बैलेंस बचता है x - 3 = 0। होल इक्वेशन में x - 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास बैलेंस होता है 2x + 1 = 0। इसे हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। आंसर 10th। टेंथ क्वेश्चन में मुझे यहाँ कहा गया है कि अगर ये 3 नंबर्स एपी में हैं तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। मुझे गिवेन है x - 2, 4x - 1 और 5x + 2। अगर एपी में है तो मुझे एक्स निकालना है। आप सोचिए, एक्स आ पाएगा अगर आप एक्स वाला कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन फॉर्म कर दें। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, गिवेन है 3 नंबर एपी में, और एपी में अगर ये 3 नंबर है, मानिए फर्स्ट नंबर को A1, सेकंड को A2 और थर्ड को मैं A3 बोल दूं, और अगर ये वाकई 3 नंबर एपी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड एपी के कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है, ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A2 - A1, A3 - A2 इक्वल होगा, जिससे एक्चुअली यहाँ एक एक्स वाला इक्वेशन बनेगा जिसे मैं सिंप्लीफाइड करके एक्स निकाल पाऊँगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो बीच में माइनस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट को प्रॉपर यूज़ कीजिएगा। थर्ड टर्म आपके पास यहाँ 5x + 2 है, माइनस सेकेंड टर्म, बीच में माइनस साइन को केयर लीजिए, माइनस है इसलिए ब्रैकेट को प्रॉपर यूज़ कीजिए। ब्रैकेट सिंपल करेंगे 4x - 1, माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे आप -x, माइनस माइनस हो जाएगा +2। राइट हैंड साइड 5x + 2, माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा -4x + 1। लेफ्ट 4x में से आप x माइनस करते हैं 3x, 2 - 1 आपके पास हो जाता है +1। राइट हैंड साइड 5x - 4x आपके पास हो जाएगा x, 2 + 1 हो जाएगा आपके पास 3। आपको x कैलकुलेट करना है तो x वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, तो इस x को अगर मैं लेफ्ट लाऊंगा तो 3x - x हो जाएगा 2x, और 1 को हम राइट ले जाएंगे तो 3 - 1 = 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ 2/2 = 1 आ जाएगी, जो कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है।